हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। आज हम लोग परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। परसेंटेज जो है पूरे अर्थमेटिक के जान है। अर्थमेटिक से कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, प्रॉफिट लॉस, म्यूचुअल एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, सब में लगभग परसेंटेज का प्रयोग किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं परसेंटेज। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रतिशत को हम दो भागों में तोड़ लेते हैं, एक प्रति और दूसरा सर। पहला प्रति और दूसरा सर। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और सर का मतलब होता है सौ। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी संख्या है वह स्वयं में क्या होती है, 100% होती है। यानी प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% होती है। या तो हम कह सकते हैं किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। यानी कोई भी संख्या हो उसको प्रतिशत में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो ये अब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। जैसे आप कह देंगे एक बटा दो, इसे हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। इसमें हम क्या करेंगे, 100 का गुणा करा देंगे और 2 से घटा देंगे। 2 से घटेगा कितने बाद में, 50 का। ये कितना परसेंट हो गया आपका, 50%। इसी प्रकार 3 बटे 2 लेते हैं, इसको भी हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करा देंगे और 2 से घटा देंगे। कितने बाद में कटेगा, 50 बाद में गुणा करा देंगे, तो जाएगा 5×15=150%। इसी तरह 5 बटे 2 लेते हैं, इसको भी हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। इसमें हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा 50 बाद में और ये हो जाएगा 150%, ये हो गया 250%। इसी तरह कुछ और मान लेते हैं, ये हो गया आपका 1/1 से ही 1/2%। इसको हम क्या करेंगे, इसका ऐसे उपयोग करेंगे, 2×2=3, 3 बटेंगे 2 और प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें क्या करेंगे, 100 से बुरा करा देंगे, 2 से कराएंगे, 2×2=50, बुरा करा देंगे 3 से तो 3/15, यानी हो गया आपका 150%। इसी तरह 2 से ही 3/5 लेते हैं, इसको भी हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और ऊपर वाले को जोड़ देंगे, 2×5=10, 10×3=5। अब इसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा करा देंगे तो परसेंट में बदल जाएगा, करा देंगे 5 से, तो कितने बार में कटेगा, 20 बार में। अब इसका गुणा कराएंगे, 3×3=26, ये हो गया आपका 207%। इसी तरह 9 से 1/4 लेते हैं, इसको भी हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4×9=36 हो गए 37, हम इसे कितना 4 और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा, और यहाँ से इसको घटा लेंगे, 25 का कट जाएगा, गुणा करेंगे 25 का 37 में, हो गया आपका 25×7=175, 175 को क्या लिखेंगे, 5 हासिल हो गया आपका 70 और 25×75 और 70 हो जाएगा आपका 225%। अब हम लोग सीखते हैं प्रतिशत को भिन्न बदलना, प्रतिशत को फ्रैक्शन बदलना। जैसे आपका देख गया 20%, तो 20% को हम क्या कर सकते हैं, लिखेंगे 20 और परसेंट हटाएंगे नीचे 100, घटा लेंगे 20 से 20% और तो कितना हो जाएगा आपका, 1/5। इसी तरह लेते हैं 25%, इसको भी हमें क्या करना है, परसेंट हटाना है, लिखेंगे 25% हटाने नीचे, तो 25 से 25 तो कितना हो गया, 1/4। इसी तरह 30% ले लेते हैं, तो इसको भी हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में बदलना है। यहाँ से 30 लिखे तो परसेंट हटाने नीचे लिखेंगे 100 कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 3/10। इसी तरह 40% लेते हैं, तो 40 हो जाएगा, परसेंट बताएंगे नीचे 100, कटा लेंगे 20 के 40, 20 बन के 100 होता
कितना उधार मान लेते हैं 12 से 1 बटा 2%, तो हम क्या करेंगे इसको दूसरी तरफ हल करेंगे, दो का इसमें पूरा करेंगे 24 और 25, नीचे कितना 2 परसेंट आना है नीचे 100, तो 25 से कम 25 25 को 100 तो कितना आएगा 1/8। इसी तरह कुछ और मान लेते हैं 16 से 2/3%, तो इसका इसमें पूरा करेंगे 16 3 48 2 50, नीचे हो जाएगा 3 कितना परसेंट, परसेंट बताएंगे नीचे 100, तो 50 नीचे 3 परसेंट बताएंगे नीचे 100, 50 से कम 50 50 में से 100 तो ये जगह 1/6। इसी तरह 11 से 1/9 लेते हैं, इसको हम क्या करेंगे इसका इसमें पूरा करेंगे 11 9 99 1 100, नीचे 9% बताएंगे नीचे 100, 100 से 100 कर आपका 1/9। इसी तरह कुछ और मान लेते हैं 9 से 1/11%, इसका इसमें बड़ा करेंगे 11 9 99 1 100, नीचे हो गया 11% बताएंगे नीचे 100 से 100 कर दिया तो आ गया 1/11। इसी तरह 14 से 2/7% लेते हैं, तो 14 का 7 बड़ा करेंगे तो 14 7 98 100 हो गया, नीचे 3 7% बताएंगे नीचे 100 से 100 कटेगा पीछे हो जाएगा 1/7। ये कुछ इम्पोर्टेंट माने जहाँ से पेपर में क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो आइए इनको हम क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे जिससे ये याद हो जाए। तो देखिए देखिए आपका 2/3, अब इसको हमें क्या करना है प्रतिशत में बदलना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/3 और 2 कितना 2, 1/3 का मतलब कितना 33 से 1/3% चला लिखेंगे 33 से 1/3% और 2 कितना 2, बुरा करेंगे 2 क्या 6 2 क्या 6 2 कमा 2 और नीचे 3 कितना हो जाएगा। इसी तरह 4/3 लेते हैं, इसको पहले क्या करना है प्रतिशत में बदलना है, इसको क्या लिखेंगे 4 2 1/3, ये हो गया 4, 1/3 का मतलब कितना 33 से 1/3% 33 से 1/3% बुरा कराएंगे 4 के 12 हो गए 13 4 और नीचे हो गया 3 इतना परसेंट हो गया। अभी ऊपर वाला क्या है नीचे वाले से बड़ा है तो भाग एक बढ़ जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे 133 और ऊपर 1 नीचे 3 इतना परसेंट हो गया। इसी तरह 5/3 लेते हैं, इसको क्या लिखेंगे 5 1/3, तो 5 को इसी तरह लिखेंगे 1/3 का मतलब कितना हो जाएगा 33 से 1/3% तो इसका बुरा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 5 15 80 15 16 5/3 3, फिर ऊपर वाला बड़ा है 3 से भाग जाएगा एक बार इसमें जोड़ देंगे 166 से 2/3%। इसी तरह कुछ और मान लीजिए 33 होते हैं, मान लीजिए 1 3/4 हो गया, इसको हम क्या लिखेंगे 3 × 1/4, तो देखिए 3 को इसी तरह लिखेंगे और 1/4 का मतलब कितना है 25% यहाँ लिखेंगे 25% पूरा करा लेंगे 75%। इसी तरह 5/4 लेते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे 5 × 1/4, तो 5 को इसी तरह लिखेंगे और 1/4 का मतलब कितना 25% पूरा करा लेंगे हो जाएगा आपका 125%। इसी तरह 7/4 लेते हैं, इसको भी हम क्या लिखेंगे 7 × 1/4, ये हो गया 7 और 1/4 का मतलब कितना हो जाएगा आपका 25% पूरा करा लेंगे ये हो जाएगा आपका 175%। इसी तरह कुछ और मान लेते हैं 2/5 लेते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे 1/5 और गुणे कितने 2, 1/5 का मतलब 20% होता है और 2 करा लेंगे कितना 40% और इसी तरह
तीन बटा पांच लेते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, तीन ऊपर एक बटा पांच, फिर हो गया तीन और एक बटा पांच का मतलब कितना 20% गुणा करा लेंगे कितना हो जाएगा 7%। इसी तरह चार बटे पांच लेते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, चार बटे एक बटा पांच, तो चार इसी तरह एक और एक बटे पांच का मतलब कितना 20% गुणा कराएंगे हो जाएगा आपका 80%। इसी तरह ले लेते हैं छह बटे पांच, ये आपका हो जाएगा छह गुणा एक बटा पांच, ये हो गया छह और एक बटा पांच का मतलब कितना 20% गुणा करा लेंगे हो जाएगा आपका 120%। और कुछ मान लेते हैं, यहां से मान लीजिए पांच बटे छह लेते हैं, उसको हम क्या लिखेंगे, पांच गुणे एक बटा छह, इसको हम क्या लिखेंगे, पांच को सीधा और एक बटे छह का मतलब कितना 16 से 2/3%, यहाँ पर 16 से 2/3% और गुणा कर देंगे 16 बचे 80 और पांच बना के 10, नीचे हो गया 3, कितना परसेंट। अब 3 से ऊपर बड़ा है, यानी 10 है, 10 क्या 3 से बड़ा है, बाकी कितना बढ़ जाएगा 3 बार, 3 इसमें जोड़ लेंगे तो हो गया आपका 83 और बचेगा कितना है 1 और हो गया 33 से 1/3%। इसी तरह 7/6 लेते हैं, इसको क्या लिखेंगे, 7 × 1/6, 7 हो गया 1/6 का मतलब कितना 16 से 2/3% और उसका गुणा करा लेंगे तो 16 × 7 = 112 हो गया, और 7 × 14 = 3 कितना परसेंट, और बाहर जाएगा ये कितनी बार, 4 बार, 4 इसमें बोलेंगे 116 से 2/3%। और कुछ मान ले लेते हैं, दो बजे 7 लेते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7, जो इसी तरह 1/7 का मतलब कितना 14 से ही 2/7% गुणा करा देंगे, 14 × 28 गुणा के 4 और नीचे 7 कितना हो जाएगा। इसी तरह 3/7 लेते हैं, 3 × 1/7, 3 इसी तरह 1/7 का मतलब कितना 14 से ही 2/7% गुणा कराएंगे 14 × 42 हो जाएगा, और 3 × 6 नीचे हो गया आपका 7, कितना परसेंट हो गया। इसी तरह 4/7 लेते हैं, इसको क्या लिखेंगे, 4/7 हो गया 4 और फिर 1/7 का मतलब कितना 14 से ही 1/2/7 गुणा कराएंगे 14 × 2 = 56 हो जाएगा, और 4 × 8 नीचे 7, तब 8 क्या हो गया 7 से बड़ा हो गया तो भाग जाएगा कितनी बार, एक बार, ये किसमें जोड़ लेंगे, ये 57 और ये हो गया 1/7। इसी तरह कुछ और मान लेते हैं, 2/9 ले लिया जाए, इसको हम क्या लिखेंगे, 2/1/9, तो 2 इसी तरह 1/9 का मतलब कितना 11 से ही 1/9% गुणा करेंगे 11 × 22 और 2 × 2 और 2 × 9। इसी तरह 4/9 लिया जाए, इसको क्या लिखेंगे, 4/1/9 हो गया 4, 1/9 का मतलब कितना 11 से 1/9% गुणा करा देंगे 44 और 4 × 4 कितना परसेंट हो जाएगा। इसी तरह 5/9 लिया जाए, इसको क्या लिखेंगे, 5 × 1/9 ये हो जाएगा 5 और 1/9 का मतलब 11 से 1/9% गुणा करा देंगे 11 × 5 = 55, 5 × 5 = 5 और 9% इसी तरह। और हम प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आइए कुछ और सीखते हैं। अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, जैसे आपका दे दिया 133 से ही 1/3%, इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में बदलना है, इसको हम क्या करेंगे, दो भागों में बदलेंगे, इसको लिखेंगे 100
कितना 35 का ये 2% 100% का मतलब कितना होता है एक होता है और प्लस 35 से 1.3% का मतलब 3 और 1 4 इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। इसी तरह 212 से 1/2% लेते हैं ये हो गया इसको हम करेंगे 200% और प्लस 12 से 1/2% और इसको हम क्या चेक करें 200% का मतलब 2000 और इसका मतलब 1/8000 और हमारे 16/17 कितना आ जाएगा। इसी तरह 511 से 1/9% इसको हम क्या लिखेंगे 500% और प्लस 11 से 1/9% 500% का मतलब कितना 5 और 11 से 1/9% का मतलब कितना आ जाएगा 1/9 बराबर आएंगे 9% 45 होते 46 और नीचे कितना 9 इसका फ्रैक्शन है कितना होगा इसके बाद 907% दिया गया है। इसको जब हमें क्या करना फ्रैक्शन में बोलना है तो इसको हम क्या लिखेंगे 900% और प्लस 7% 900% का मतलब कितना 9 और 7% का मतलब 3/5 अब 5 का इसमें गुणा करेंगे 45 और 48 और नीचे हो गया आपका 5। इसी तरह 725% यहाँ से लिखेंगे 700% और प्लस 25% तो 700% का मतलब 7 हो जाएगा और 25% का मतलब 1/4 तो 725 से 29 और नीचे हो गया 4। इसी तरह कुछ और मान लेते हैं 212 से 1/2% यहाँ से लिखेंगे 200% और प्लस 12 से 1/2% अगर लिखेंगे 12 से 1/2% यहाँ से हो गया 200% का मतलब 2 और 12 से 1/2% का मतलब कितना हो जाएगा आपका 1/8 और 16/17 हो गया आपका जब 375 का 20% गैप कीजिए हम क्या करेंगे लिखेंगे 375 और का मतलब क्या होता है गुणा 20% का मतलब 1/5 यहाँ से क्या करेंगे कटा देंगे 5 7 35 52 50 25 तो कितना आ गया आपका 75 यानी 375 का 20% कितना आएगा 75। इसी तरह 507 ले लें और इसका 14 से 2/7% लेते हैं यहाँ से लिखेंगे 507 और का मतलब गुणा 14 से 2/7% का मतलब कितना होता है 1/7 यहाँ से 7 से कटा देंगे 7 8 56 कितना हो जाएगा आपका 80 ठीक यानी 560 का 14 से 2/7% कितना होगा 80 होगा। इसी तरह 840 का 28 से 4/7% लेते हैं यहाँ से इसका मतलब कितना हो जाएगा ये तो इसी तरह रहेगा 840 का तो मतलब हो जाएगा गुणा इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 14 से 2/7% हो गया आपका 840 गुणे 2 और 14 से 2/7% का मतलब कितना है 7 यहाँ से इसको कटा देंगे 7 × 7 बचाए 7 × 14 और गुणा करा देंगे 12 × 24 हो गया 240 यानी 840 का 28 से 4/7% कितना होगा 240 होगा। इसी तरह 990 का 33 सही 1/2
3% क्या करना है, हम क्या करेंगे, लिखेंगे 990 का का मतलब पूरा 33 से एक बड़ा 3% कम करके कितना है, एक बड़ा 3 कटा लेंगे, 3 करके 9, 3 करके 9 जीरो हो जाएगा 330, यानी 990 का 33 से एक बड़ा 3% 330 हो जाएगा। एक आध मान आगे लेते हैं, छह सौ साठ का छह छह से ही दो बटा तीन परसेंट लेते हैं जो कि आपका छह सौ साठ का एक मतलब हुआ छह छह से दो बटा तीन परसेंट और क्या कितना दो बटा तीन बटा लेंगे यहाँ से दो तीन बटा के छह और तीन बटा के छह जीरो बटा लेंगे चार सौ चालीस। इसी तरह एक आधा नंबर लेते हैं, 520 का 25%, हम लिए 520 का कम मतलब पूरा 25% कम मतलब ये होगा 4, भाग लगेंगे 4 कम 4 बचे गए 4 के 12 और 0 कितना हो जाएगा। इसी तरह एक हजार 24 का 20% 25% लेते हैं 25% में आंसर जो है 1024 का कम मतलब होगा 25% कम मतलब ये होगा 4, यहाँ से कटा लेंगे 4 दुना के 8 हो गया, बचेगा 2, 4 बचे 20, 4 6 24।